हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान से एक और न्यूज है कंट्रोवर्शियल, पाकिस्तान क्रिकेट के पॉलिटिक्स को हाईलाइट करती हुई। जैसे उस्मान खान अभी फिलहाल यूएई को छोड़ के पाकिस्तान के लिए खेलने आ गए हैं। सडनली पीएसएल परफॉर्मेंस के बाद यूएई बोर्ड ने उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया है। वो पाकिस्तान के लिए कितना खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये तो 6 महीने 8 महीने बाद हम बात करेंगे। फिलहाल उनको 5 T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड खिलाया गया जिसमें वो कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। हालांकि वो इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज में उनको ले जा रहे हैं और मे बी ही मे गेट सेलेक्टेड फॉर वर्ल्ड कप। बट उसी तरीके से ये 4-5 साल पहले की बात है, उस्मान कादिर जो कि लेजेंडरी क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे हैं, उनको पाकिस्तान में मौका नहीं मिल रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सेटअप में जाके खेलना शुरू किया और काफी अच्छी परफॉर्मेंस करने लगे। और ऑलमोस्ट ही वाज अबाउट टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ही कुड हैव प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया, मगर मिसबाह उल हक जो उस टाइम पे कोच चेयरमैन सब कुछ थे, उन्होंने जाके कन्विंस किया उस्मान कादिर को कि ही शुड कम बैक एंड प्ले फॉर पाकिस्तान। अब उस्मान कादिर को ऐसा लगा कि इट्स हिज ड्रीम, क्योंकि हर कोई अपनी नेशनल टीम के लिए खेलना चाहता है। उन्मुख चंद जो अभी यूएस गए हैं या बाकी जो भी प्लेयर अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह गए हैं, वो यही कहते हैं कि इवेंचुअली वो अपनी कंट्री के लिए ही खेलना प्रेफर करते हैं। एनीवेज उस्मान कादिर इनकी बात में आ गए, वो वापिस आ गए, मगर वापिस आने के बाद उनको कंटिन्यूअसली मौके नहीं दिए गए। 3 साल के पीरियड में उनको 25 T20 इंटरनेशनल्स खेलने को मिले जिसमें उन्होंने ठीक परफॉर्मेंस दी, 31 विकेट्स, और इकोनॉमी भी अराउंड 8 थी उनकी। मगर सडनली एक थंब इंजरी हुई जिसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। शकलेन मुश्ताक जो उनसे मिले और जो उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करने वाले थे, उन्होंने बोला कि उन्हें एक्सरे करा के चेक करना चाहिए। ये इंजरी इंग्लैंड में हुई थी, वहां एक्सरे में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर थंब में डिटेक्ट हुआ था। मगर जब वो पाकिस्तान में आए और वहां की हाई परफॉर्मेंस यूनिट कह लो या जैसे बेंगलोर में एनसी है, वहां जब उनकी फिंगर इंजरी को किया गया तो पता चला कि 2 फ्रैक्चर है। और जो वहां के मेडिकल चीफ थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि उनको अभी बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। हालांकि उस्मान कादिर ने कहा कि ही इज नॉट फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन और थंब को वो यूज नहीं करते, वो फिंगर से स्पिन कराते हैं, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि उनको कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही है, वो बॉलिंग करना चाहते हैं। मगर उनको ट्रेनिंग से शकलेन मुश्ताक, उन्होंने नाम लेकर खुद ये कहा है, शकलेन मुश्ताक और मेडिकल के जो डॉक्टर थे वहां पे, उन्होंने मना किया, उन्होंने बॉलिंग छोड़ दी। और उस बीच शादाब खान, उसामा मीर, आप देख रहे हो कितने एवरेज स्पिनर्स फिलहाल पाकिस्तान में खेल रहे हैं, वो खेलते गए। फिर जब वर्ल्ड कप के बाद इनको हटाया गया, बाबर आजम को और शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, तो शाहीन शाह अफरीदी ने उस्मान कादिर को कांटेक्ट किया और बोला कि अगर आप डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो मैं आपको टीम में लाना चाहता हूँ। उस्मान कादिर ने 8 मैचेस में 13 विकेट लिए T20 में, जिसमें 5 विकेट हॉल भी था। वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी गए थे जहां के 5 मैचेस में उन्होंने less than 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग की थी। विकेट उनको 4 मिले थे मगर उनकी इकोनॉमी 5.75 थी। जब उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीम में उनको कॉल अप आएगा। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को वापस कांटेक्ट किया तो शाहीन शाह अफरीदी ने उनको क्लियरली बताया कि वो उनको टीम में लेने के लिए तैयार थे, मगर मोहम्मद हफीज जो टीम डायरेक्टर बन के ऑस्ट्रेलिया गए थे, उन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ ये आपका जानना बहुत जरूरी है, हफीज को वर्ल्ड कप के बाद टीम डायरेक्टर बनाया गया था। उनके टीम डायरेक्टर बनने के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई जहां तीनों टेस्ट मैच हार गई। उसमें अब्दुल्ला शफीक ने 2-3 क्रिटिकल मोमेंट्स पे कैच छोड़े स्लिप में, और वो हमेशा उनको कैच छोड़ने के बावजूद भी वहीं स्लिप में रखा जाता था और वो वहीं कैच छोड़ते थे। मोहम्मद हफीज ने वहां पर उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन और उनसे कहा था कि वो अगर अपनी फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ पनिशमेंट देंगी। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में भी कुछ फाइन लगाए थे $50 की अगर कोई सोता हुआ पाया गया।
उसके बाद 3-0 की हार के बाद इतने डिसिप्लिन के बावजूद पाकिस्तान 3-0 हारी, फिर न्यूजीलैंड गए 5 T20 खेलने जिसमें से 4 हारे। पहले चारों हार के पाकिस्तान सीरीज हार चुकी थी, व्हाइट वॉश बचा पाकिस्तान ने पांचवा मैच जीत के। इस तरीके के टीम डायरेक्टर की आप क्या इंपॉर्टेंस देंगे? और उसके बाद उनको हटा दिया गया टीम डायरेक्टर के पोस्ट से। अब उन्होंने उस्मान कादिर के साथ ऐसा गेम कर दिया। अब उस्मान कादिर ने इसके आगे बढ़ के ये भी कहा कि बाबर आजम जो उनके बचपन के फ्रेंड हैं, उन्होंने भी उस्मान कादिर को डिच किया अपने फ्रेंड शादाब खान के लिए। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान में एक दोस्ती यारी है। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि बाबर आजम इज वेरी हार्मफुल फॉर द टीम। ऐसा नहीं है कि ही इज जस्ट अ स्टूपिड कैप्टन, दैट ही इज, मगर वो स्टूपिड कैप्टन होने के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल को टीम में रखने के लिए वो अच्छे टैलेंटेड पाकिस्तानी प्लेयर्स को बाहर कर देते हैं। शादाब खान को रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्पिनर्स को, इवन उसामा मीर को भी फिलहाल टीम से ड्रॉप करवा दिया गया है, जबकि शादाब खान की कोई जगह नहीं बनती। वो ऑलराउंडर स्पॉट लेने के लिए ही इमाद वसीम को वापस बुलाया गया है। अब ये किस्सा सामने आने के बाद उस्मान खान शुड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ टीम पॉलिटिक्स वर्क्स। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कैसे परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान के स्पिनर्स। अब ये इंग्लैंड और आयरलैंड में किस तरीके की प्रिपरेशन होगी वर्ल्ड कप के लिए, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वहां कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं और वहां बिल्कुल वेस्ट इंडीज में बिल्कुल अलग कंडीशंस होंगे। तो अब वहां पर स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस होते हैं, यहाँ पर पेस फ्रेंडली है, तो किस तरीके की तैयारी यहाँ हो रही है, इट्स डिफिकल्ट टू से। हाउएवर वी ऑल नो कि पाकिस्तान इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम, तो अब क्या होता है ये देखने को मिलेगा। मगर जस्ट अनदर स्टोरी ऑफ बैड पॉलिटिक्स, दोस्ती यारी इन पाकिस्तान क्रिकेट। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।